जनपद जालौन के कोंच में अग्निशमन विभाग के अपर निर्देशक के द्वारा कोंच फायर सर्विस अग्निशमन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अप्रैल और मई के महीनों में अधिकांश आग लगने की घटनाएं होती है, जिसकी रोकथाम के लिए विभाग के द्वारा इन दो महीनों में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है और यदि कहीं आग लगने की जानकारी विभाग को मिलती है वैसे ही दमकल की गाड़ी एक मिनट के अंदर घटनास्थल के लिए रवाना हो जाएगी। इसके लिए समस्त फायर सर्विस के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से किसानों से निवेदन किया कि फसल कटने के बाद जो फसल अवशेष खेतों में रह जाते हैं उसमें कदापि आग न लगाएं, जिससे जनहानि माल हानि की संभावना बनी रहती है। फायर स्टेशनों की कार्य क्षमता और मशीन स्टाफ और उपकरण कार्यशील और दक्ष बने रहे इसके लिए किया जाता है। खामियां वैसे कोई ऐसी खामी नहीं है, लेकिन ये है कि सिंक्रोनाइज चीज़ों को करना है कि जैसे मैंने प्रक्रिया को बताया कि आग लगने पर सबसे पहले कंट्रोल को बताएं कि आग लगी है और हमारी जो फायर यूनिट है फला स्थल के लिए जा चुकी है। दूसरी बात, जिस थाना अंतर्गत वो जा रही है उस थाने को बताएं कि वहाँ वो स्टाफ भेजें, क्योंकि थाने की दूरी वहाँ से पास है और फायर स्टेशन से उसकी दूरी अधिक है, तो थाना पहले पहुंचेगा और फायर स्टेशन की दूरी अधिक होने के कारण हो सकता है फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समय लगे। तीसरी चीज कि फायर स्टेशन का स्टाफ आग पर पहुंचकर वस्तु स्थिति से कंट्रोल को अवगत कराए कि वो आग वो नियंत्रित कर लेंगे या उनको और किसी मदद की जरूरत है, क्योंकि आग का वास्तविक आकलन फायर ब्रिगेड के स्टाफ द्वारा ही किया जा सकता है। और लोगों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि वो ये अप्रैल और मई फायर सीजन है और इसमें आगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसमें एक तो जो लाख है खलियान है वो तारों के नीचे ना रखें, और दूसरी बात कि चूल्हे की गर्म राख इधर उधर ना फेंकें और बच्चों को लापरवाही से आग न जलाने दें। अगर ये तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आगों पर काबू पाया जा सकता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी के स्रोत जो आपके क्षेत्र में है, तालाब है, ट्यूबवेल है और बावड़िया है, उनमें पानी भर के रखने की कोशिश करें, जिससे किसी अग्निकांड के समय हम उस पानी का उपयोग आग पर कर सकें। नहीं, देखिए हमारा विभाग जो है ये 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाता है, और ये जो फसल काटने के बाद जो लोग आग लगाते हैं वो कानूनी रूप से भी इलीगल है और इस पर प्रशासन ने भी रोक लगा रखी है। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे विनम्र मेरा निवेदन है कि वो आग न लगाएं। उनकी आग लगाने से अगल बगल की संपत्ति भी जोखिम में आती है, और 14 अप्रैल के वीक में हम लोग इस बात को और ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे कि वो आग न लगाए खेतों में।